नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यंदु मांडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाय सेल लेवल का स्किनर बनाया और उसी कथी पे आप लोगों को रेगुलर व्यू देता हूँ और उसको मैंने आज का परफॉर्मेंस कैसे रहा आप लोगों को दिखाऊंगा। और कल मैंने एक इनसाइड थेबार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैंने एक वीडियो शेयर किया था, वो आप लोग चार्ट भी आप लोग अपने आप भी चार्ट पे देख के एंट्री मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। वो स्ट्रैटेजी ज़रा समझ लीजिए उधर से। और इधर मैंने एक्सेल फाइल में भी इसका मतलब बना लिया, कैलकुलेशन करके बना लिया स्ट्रैटेजी को। तो इधर भी आप लोग इस इसका ये इधर ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग को मेरा फिर से भी व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करना पड़ेगा, उस दिन के आप लोग फ्री ट्रायल भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें मेरा फाइल में क्या क्या रहता है ये आप लोग को आप लोग पहले वाला वीडियो देख लीजिए, मेरा जो वीडियोज़ है। और सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आप लोग को मिल जाएगा, ये वीडियो का लिंक भी इधर से मिल जाएगा, इस यूट्यूब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप लोग जरूर देखिए। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग को निफ्टी और बैंक निफ्टी के डायरेक्शन रेगुलर मिल जाएगा, फाइल में फाइसल लेवल रिकमेंडेशन देता हूँ, इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फीचर्स का वो भी आप लोग को मिल जाएगा। और से मैंने इंसेंट था बास्टिंग स्ट्रेटेजी में जो टू दिखाएगा 1 डे 2 डे 8 महीना 7 का हिसाब से, और 15 मिनट का मैंने दिखा नहीं पाया क्योंकि मैंने देखा आप लोग इसमें बिजी था, रात हो जाता है, तो इसीलिए सुबह उठ के नहीं दे पाया। और जो जब दिया था उसमें कुछ लेवल भी आया नहीं था, तो आगे से अभी वो भी दे दूँगा आप लोग को 15 मिनट के हिसाब से, जो इंसेंट दबा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से ट्रेडिंग स्ट्रेटी 1 डे 2 डे 15 मिनट का हिसाब से किया जा सकता है, तो वो भी आप लोग को मिल जाएगा। तो ये आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और उसमें 95% एक्विजिशन प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऐसे चार्ट का सेटअप है, और भी बहुत सारा स्ट्रैटेजीज है, पेयर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी, सेफ एंट्री कैसे ले सकता है, स्टॉक्स कैसे चुन सकता है, ये भी उसको आप लोग को मिल जाएगा, सीखने के लिए मिल जाएगा। और आप लोग उसको टॉप मार्केट में ट्रेडिंग करना आप लोग को भी आसान हो जाएगा। तो इसे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज का परफॉर्मेंस हम लोग फिर मैंने पहले बाइसल लेवल उधर जो बाइसल लेवल 1 का जो कैसा परफॉर्मेंस रहा, मैंने व्हाट्सएप पर कुछ रिकमेंडेशन भी देता, पहले बाइसल लेवल 1-2 देखा देता हूँ, उसके बाद इंसेंट दबा मेनली वही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको दिखाने का इरादा है। तो इसके लिए मैंने एक इधर ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। और ये देखिए इंडिया बुल हाउसिंग फिनांस, मैंने उधर रिकमेंडेशन था, जो लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है वो लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इधर देखिए इंडिया बुल हाउसिंग फिनांस इधर 312 में ओपन हुआ था, उसके बाद 314 लेवल पे आप लोग आराम से एंट्री ले सकते थे। इधर 300 मैंने बार बार बोलता हूँ कि जब गैप और गैप डाउन होगा आगे या नीचे ओपन होगा तो अगला वाला लेवल है उसमें देखना चाहिए। तो इधर देखिए 311.74 है, उसका ऊपर आप लोग एंट्री ले सकते थे। उसके बाद 319 तक जो इंटरडे में कोई ख़राब कुछ नहीं है तो प्रॉफिट आ जाता था। उसके बाद सेल लेवल था 303.96, इसमें हम लोग इधर आ जाता था, हम लोग को 293 के नीचे आ जाता था 303 से, तो आप लोग को इंडिया बुल हाउसिंग से अच्छा थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता था। मैंने एम एफ सेल को देखा था, मैंने रिकमेंडेशन ये मैंने क्यों देखा था क्योंकि मैंने ये फाइल पूरा दे देता हूँ, और फाइल देने के बाद ये फाइल में 150 स्टॉक्स है और कमोडिटी का पूरा कमोडिटी का है, निफ्टी बैंक का लेवल रहता है, फीचर्स का लेवल रहता है। तो ये देने के बाद मैं खुद रिकमेंडेशन आप लोग तो स्क्रीनिंग कर सकते हैं, अपना चॉइस का स्टॉक चुन सकते हैं, उसके बाद आप लोग मेरा रिकमेंडेशन भी आप लोग देख सकते हैं। और देखता है इंडिया बुल हाउस सेल को क्या होगा हुआ था, ये सेल 526 में ओपन होने के बाद 532 तक गया था। इधर मेरा बाई सेल बाई लेवल था 528.33 में बाई करके आप लोग 532 तक इसका प्रॉफिट हो जाता था। तो इसीलिए ऐसे करके आप लोग प्रॉफिट कर सकते थे। उसके बाद मैंने अभी इंसाइड दबा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देखी, इधर 1 डे का हिसाब से कौन सा था, ये अदानी पोर्ट था 1 डे का हिसाब से, 1 डे का हिसाब से अदानी पोर्ट जो था इसका पहले तो देखना है कौन सा टू दिखा रहा है, 1 डे का हिसाब से 2 डे का हिसाब से या 7 के हिसाब से। उसके बाद देखता है कि इधर देखना है कि लेवल आया था कि नहीं आया था, इधर मैंने फॉर्मूला देख के सेट किया है लेवल आया था कि नहीं आया था। तो इधर आप लोग का ये फाइल भी मैंने आप लोग को शेयर करूँगा, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर करूँगा, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप इधर से आप लोग बहुत से और भी मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिखा पाऊँगा
लेकिन आप लोग पूरा पूरा चेक कर सकते हैं। इधर जो जीरो दिखाएगा वो आप लोग को मतलब उसका लेवल आया था। तो देखिए इधर जो आदमी कोटा है टू दिखा रहा है और इधर लेवल भी आ चुका आया था। पहले तो देखना है टू दिखा रहा है कि नहीं, उसके बाद टू दिखा था है, उसके बाद लेवल आया था कि नहीं है, इधर से दिखना दिख जाएगा। तो इधर देखते हैं, इधर वन डे का जो जब वन डे का टू दिखाएगा तो वन डे का हाई लो ब्रेक होने के बाद आप लोग को एंट्री लेना है। तो इधर और डे वन इधर से मिल जाएगा। टू डे का जब टू दिखाएगा और टू उसका बाई सेल लेवल के लिए आप लोग डे टू तक का हाई लो ब्रेक कन्फर्म करना है, इधर से आप लोग को वो मिल जाएगा। और जब इनर सेवन का टू दिखाएगा उसका डे वन का जो हाई लो लेवल है उसको ब्रेक हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आप लोग को देखना पड़ेगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान में एकदम ध्यान में रख लीजिए ताकि इसमें ऐसे करके आप लोग को ट्रेड करना है। तो इधर देखिए बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इधर देखिए अदानी पोर्ट इधर टू दिखा रहा है और इधर देखिए अंडे का लो भी लो थोड़ा है और हाई का तो नहीं पाया, अंडे का हाई का नहीं थोड़ा लेकिन लो साइड तो इधर ब्रेक किया है। तो देखते हैं अंडे का लो कितना था, इसका 364.25 का इसका लो था। तो एक बार चार्ट पे एक बार देख लेते हैं अदानी पोर्ट, अदानी पोर्ट चार्ट को एक बार देखते हैं। अदानी देखिए इधर अदानी पोर्ट 364 के नीचे कैसे भी किया, इधर 370 के ऊपर दिया नहीं था, 362 के नीचे जब ये आया था, 364 के नीचे जब ये आया था ये 362 तक आया था, 362 तक ये प्रॉफिट दे गया था, 362.10 तक ये आया था। एक्चुअली इसका लो ब्रेक किया था 324.25 से, उसके बाद 362.10 लेवल आ गया था। उसके बाद देखते हैं और भी देखते हैं कौन सा लेवल दिखा रहा है। सोच लीजिए मैंने कुछ देखते रहा हूँ, हमारा जो बैटरी है इन साइड द वन डे का हिसाब से भी टू दिखा रहा है, इनर सेवेंस का हिसाब से भी टू दिखा रहा है। तो इधर देखिए इधर भी लेवल भी आया था, लेवल भी आया था क्योंकि मैंने इधर को मैंने फार्मूला देखा, आज का करंट हाई लो मैंने इधर कॉपी पेस्ट कर लिया, उसके बाद मैंने इधर फार्मूला देखे लेवल आया था क्या नहीं आया था। इधर मैंने इधर बाई का लेवल आया नहीं था, हमारा जो बैटरी का इधर सेल का लेवल आया था मतलब लो का लेवल ब्रेक किया। तो इधर देखिए वन डे का हिसाब से दिखा रहा है और टू इनर सेवेंस का हिसाब से भी दिखा रहा है। तो इधर देख लेता है इसका वन डे का हाई लो कितना था, इधर आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं कल का हाई लो कैसे था। इधर देखिए 714.65 इसका 714.65 इसका लो था, 714.65 हमारा ऐसा बैटर बैटरी इधर 714.714 से ये कितना तक हो गया था, इधर ओपन हुआ था 722 से इधर ये हाई ब्रेक नहीं कर पाया, हाई गया था 729 में 714.65 जो ब्रेक किया था 724। आप लोग ऐसे नहीं है कि ये स्ट्रेटजी ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि अगला दिन का हाई लो ब्रेक करने से ये आप लोग को प्रॉफिट दे देगा, स्ट्रेटजी ऐसा नहीं है, स्ट्रेटजी कुछ और है, वो आप लोग स्ट्रेटजी वाला वीडियो समझ लीजिए। तो इधर देखिए 714 के नीचे जब आया था तो ये 703 तक ये प्रॉफिट दिया था, मतलब लास्ट आवर में ये 325 मैंने 315 तक भी पकड़ लूँगा तो ये 710 तक ये आ गया था। तो इधर उसके बाद मैंने और भी देख लेता है और कुछ भी देख लेता है। सोच लीजिए ये एक्सिस बैंक मैंने दो दिन के हिसाब से जो एक बार एक और फार्मा देखी, और फार्मा इसका टू दिखा रहा है और इसका लेवल ये टू डे का लो वेट देख किया है। तो टू डे का मैंने सब मतलब जो तीनों है उसका सभी का मैंने दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने परफॉर्मा को देख लिया। टू डे का हिसाब से जो टू का दिखा रहा है और लेवल भी आया था ये 463.15, बाई का लेवल नहीं आया था लेकिन सेल का लेवल था 463.15।
तो इधर और फार्मा